नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी और अपडेट न्यूज से आपको आगाह करते चलें। 2 जनवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन 2 टेस्ट मैच सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा, जिसके अंदर प्लेइंग 11 का भी ऐलान कर दिया गया है और चीफ सेलेक्टर शाहिद खान अफरीदी की जानिब से बहुत बड़ी तब्दीलियों का भी ऐलान किया गया है। कप्तान बाबर आजम भी इस मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा कौन सी बड़ी तब्दीलियां की गई हैं, ये तमाम जो है अपडेट्स आपको अभी बताते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन दूसरे टेस्ट मैच में ओपनर अब्दुल्ला शफीक, उनके साथ होंगे इमामुल हक। तीसरे नंबर पर शान मसूद की जगह कामरान गुलाम अपना टेस्ट डेब्यू करेंगे। नंबर 4 पर कप्तान बाबर आजम फ्लू की वजह से दूसरे टेस्ट से बाहर हो चुकी हैं, इनकी जगह मोहम्मद रिजवान होंगे। नंबर 5 पर सऊद शकील होंगे। नंबर 6 पर सरफराज अहमद विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी के साथ साथ कप्तानी भी करेंगे। नंबर 7 पर आगा सुलेमान होंगे। नंबर 8 पर अबरार अहमद। नंबर 9 पर हुसैन अली की पाकिस्तानी टीम में वापसी होगी। नंबर 10 पर जाहिद महमूद की वापसी होगी और नंबर 11 पर शाहनवाज धानी अपना टेस्ट डेब्यू करने जा रहे हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान की ये प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड को दूसरा टेस्ट मैच हराने में कामयाब होगी या नहीं, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। जाते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।